अलमैलकम एवरी वन क्या हाल है आप सबके वेलकम बैक टू माई चैनल आज थर्सडे है शाम के वक्त मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की है कल फ्राइडे को मेरा बर्थडे है फ्राइडे में ट्वेल्थ तो मैंने सोचा चलिए ये ख़ास दिन और ये सारा खास रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस ब्लॉग के थ्रू एक्चुअली आज बहुत सालों बाद ना स्पेशली कैनाडा आने के बाद आज पहली दफ़ा मैं कहूँगी कि मैंने कुछ इतमान से अपना बर्थडे मनाने का सोचा है वरना तो यहाँ पर आने के बाद ऐसे जॉब हंट में फिर उसके बाद जॉब में बिजी हुए कि होश ही नहीं रहा कि कब सुबह हो जाती थी कब शाम हो जाती थी अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें ना तो उसमें आपको इब्राहिम और जैना का बर्थडे व्लॉग ज़रूर दिखाई देगा लेकिन मेरा कोई बर्थडे व्लॉग आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी मतलब याद ही नहीं रहता था या कुछ कहना चाहिए कि ना होश रहता था कि क्या करना चाहिए बस इब्राहिम ही थे जो बस ज़बरदस्ती ही केक ले आते थे प्रेजेंट ले आते थे कहते थे कि नहीं चलो तुम्हारा बर्थडे हम थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट करेंगे ही लेकिन इस दफा मैंने सोचा कि नहीं अब की बार मैं खुद अपने दिन को थोड़ा सा स्पेशल बनाऊंगी और थोड़ा बहुत मैं कुछ खास रूटीन जरूर करूंगी और वो मैं आपके साथ इस ब्लॉग के थ्रू शेयर करूंगी लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो तो अभी ना यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है स्प्रिंग और गर्मी कहना चाहिए तो यहाँ का एक अलग ही लाइफस्टाइल होता है तो इब्राहिम को बहुत होता है कि हम लोग गर्मियों के सीजन में जब वेदर अच्छा हो स्पेशली प्लेजेंट ना तो हम लोग वॉक पे जाएंगे और बाहर जाएंगे तो जैन और इब्राहिम तो अक्सर चले जाते हैं मैं कभी कभी जाती हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा अब चला नहीं जाता है तो मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ अब हो सकता है आगे की वीडियोस में आप मुझे सनस्क्रीन लगाते हुए अक्सर देखेंगे और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि जैसे ही गर्मी अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करिए चाहे आप बाहर जाएँ या ना जाएँ तो यहाँ गर्मियों के सीज़न में बहुत ट्रेंड है कि हर कोई वॉक पर निकलता है प्ले जाता है और यहाँ तो अभी बल्कि मैं कहूँगी स्प्रिंग का सीजन चल रहा है तो हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं मैं आज सिर्फ इसलिए जा रही हूँ उन लोगों के साथ वॉक पे क्योंकि मुझे ग्रोसरी में दो आम खरीदने हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि वो आम मैं क्यों खरीदूंगी आज का दर्जा हरारत है ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस मैं निकल तो गई थी लेकिन बाहर काफ़ी हब्स था काफ़ी गर्मी थी और मुझसे ना बहुत मुश्किल से चला जा रहा था तो हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक टिम टिमहॉटेंस में लिया गर्मी में बड़ा ऐसे ट्रेंड है कि आप चलते चलते टिम टिमहॉटेंस चले जाएँ और एक कॉफ़ी ले लें ले या कुछ ऐसे ठंडा पी लें तो बस इब्राहिम और हम लोग भी आ गए एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए और ये क्लिप मैंने थोड़ा सा जानबूझ के इंक्लूड की है ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा सकूं कि कनाडा में जब वेदर गर्म होता है तो फिर यहाँ का क्या लाइफस्टाइल होता है लोग क्या करते हैं तो इब्राहिम ने ये अपने लिए कोई कॉफ़ी ली है कोल्ड कॉफ़ी ली है लेकिन मेरा तो थो थोड़ा सा कुछ शेक पीने का दिल कर रहा था वो इसको क्रीमी चिल्स कहते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैंने अपने लिए ये लिया है कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना बस सोचते ही रह जाते हैं कि आप कुछ शुगर अवॉइड करेंगे डाइट करेंगे लेकिन वो हो नहीं सकता आपसे उसके बाद हम लोग वॉक करते हुए आ गए कि बिल्कुल एक नियरेस्ट पार्क है यहाँ पर हर एरिया में एक पार्क ज़रूर होता है जो पब्लिक पार्क होता है गवर्नमेंट की तरफ से होता है और हर पार्क में ऑलमोस्ट हर पार्क में एक प्ले बच्चों का ना खेलने का एक एरिया ज़रूर ज़रूर होगा तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको पब्लिक लाइब्रेरी दिखाई थी तो ये एक पब्लिक पार्क है यहाँ पर शाम के वक्त काफ़ी भीड़ हो जाती है लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो जैना पहले छोटी थी ना तो जैना जब पार्क में जाती थी तो वापस आने से ही मना कर देती थी लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो अब अब इतना तंग नहीं करती अब आ जाती है घर पर अच्छा आज है फ्राइडे का दिन और आज मेरा बर्थडे है मैं जैना को स्कूल भी छोड़ के आ गई हूँ और मैं ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है तो जैना जो है ना मुझसे स्कूल ये कह के गई है कि मम्मी आप केक नहीं काटना तो केक तो अभी हम लाए भी नहीं है लेकिन जैना को ये होता है कि कोई भी केक घर के अंदर आए ना इनफैक्ट किसी घर भी हम जा रहे हो तो जैना की पूरी कोशिश होती है कि केक वो काट ले तो अब तो ये बात सर्कल में काफ़ी मशहूर हो गई है जैना के बारे में तो काफ़ी सारे लोग जैना को ऑफर कर देते हैं कि आओ तुम ही केक काट लो ना तो जैना को यह है कि बर्थडे केक मेरा भी जैना ही काटेगी तो लेट्स सी चलें जैना को पहले कन्वेंस करूंगी नहीं हुआ तो खैर है वो काट ले कोई बात नहीं अभी मैं बनाने लगी हूँ डिजर्ट आ, ये मुझे बनाना तो कल रात था मेरे पास ये विपिंग क्रीम है लोकल वाली और ये बोल है जो मैंने ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था इसके अंदर मैं क्रीम को विप करूँगी बहुत ज़्यादा देर तो नहीं ये तो ओवर नाइट रखा रह गया मुझे कल रात ही बनाना था लेकिन मुझे थोड़ी सी सुस्ती आ गई मैं सो गई अभी बना लूँगी मैं मैंगो मूव बना रही हूँ अच्छा चैनल पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा चलें मैं उससे एक थोड़ी सी क्लैरिटी उस पर दे दूँ कुछ लोग जो हैं वो मैंने एक वीडियो लगाई थी जिस पर मैंने ही बताया था कि मैंने अपने जितने भी नेबर्स हैं मैंने उनके लिए इफ्तारी बनाई थी फिर मैंने उनको इफ्तारी दी थी जाकर तो कुछ लोग कुछ क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि आपके नेबर्स कैसे लोग हैं और क्या उन्होंने अफतारी एक्सेप्ट की थी और आपने उनका कोई फीडबैक नहीं बताया तो देखिए मैंने एक चीज़ की उसमें भी क्लैरिफिकेशन दी थी उस वीडियो के अंदर कि जब क्रिसमस का सीज़न आया था तो जैना के लिए काफ़ी सारे टॉयज़ तो और प्रेजेंट्स आए थे हमारे नेबर्स की तरफ से ही आए थे तो और तो नेबर्स हमारे बहुत अच्छे लोग हैं बहुत नाइस बहुत पोलाइट लोग हैं तो जब मैंने उनको इफ्तार दी तो मैंने उनको एक छोटी सी एक स्पीच कह लें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दिया अबाउट द मंथ ऑफ रमज़ान के हम रमजान के अंदर खाना बनाते हैं अपनों के लिए सब यू नो रिलेटिव और हम हर किसी के लिए खाना बनाते हैं तो मैं थोड़ा सा उनको रमजान के महीने के बारे में बताया था तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जितने साल चार साल हो गए हमें यहाँ पर माशाला और तीन साल मैंने जॉब की है तो जॉब में तो आपको पता है हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे अलग कंट्रीज अलग, अलग अ, कम्युनिटी वगैरह की जितने भी रिलीजन के लोग मुझे यहाँ पे मिले हैं तो शायद ही ऐसा हुआ हो कि मेरी मुलाकात यहाँ कभी किसी ऐसे इंसान से हो जिसको रमज़ान के महीने के बारे में ना पता हो तो यहाँ पर माशाल्लाह सभी को पता है हर मुल्क हर कम्युनिटी uh, के लोगों को रमज़ान के महीने के बारे में पता है यहाँ पर तो उन लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी जब मैंने उनको रमज़ान के बारे में बताया हाँ ये उनको बहुत अच्छा लगा कि हम खाना बनाते हैं फिर हम देते हैं सबको खाना तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था लेकिन उन्होंने बहुत वार्मली वेलकम किया और बहुत खुशी खुशी उन्होंने खाना ले लिया मुझसे हाँ एक चीज़ का आपको यहाँ पर बहुत ख्याल रखना पड़ता है Uh, यहाँ पर अगर आप जैसे किसी को भी खाना दे रहे हो या अपने घर पे इनवाइट कर रहे हो तो आपको उनसे एज अ करटिसी पूछना पड़ता है कि अगर उनकी कोई डी रिक्वायर डाइट्री सॉरी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं हैं तो वो मैंने उन लोगों से पूछ लिया था जैसे मिसाल के तौर तो पर हम लोग हैं, हम हलाल खाना खाते हैं कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं कुछ लोगों को ग्लूटिन नहीं सूट करता तो वो आपको पूछना होता है उनसे तो मैंने उन सबको खाना देते हुए पूछ लिया था तो किसी को भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो उन्होंने बहुत ही वार्मली एक्सेप्ट किया और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था तो चले आई होप ये थोड़े बहुत जो सवाल आ रहे थे उस वीडियो पे वो अभी तक आ रहे थे तो मैंने कहा चलें मैं उस पर एक क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दे दूँ अच्छा मैं डिज़र्ट बनाना स्टार्ट करूंगी मैं यहाँ पर ले रही हूँ विपिंग क्रीम मेरे पास ऑलरेडी फ्रिज के अंदर रखी हुई थी मैंने सिर्फ और सिर्फ आम खरीदे हैं और क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा सा ही बनाना था ना इसलिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं ख़रीदा है आज के डिजर्ट के लिए ये थोड़ी सी विपिंग क्रीम है मेरे ख्याल से हाफ कप भी नहीं होगी उससे भी कम होगी और ये विपिंग क्रीम भी ठंडी है और इसके अंदर जो आप बोल देख रहे हैं ना ये भी ठंडा बोल है रेसिपी के अंदर वैसे तो आप अक्सर देखेंगे ऑनलाइन के लोग कंडेंस मिल्क डाल डाल रहे होते हैं तो मैंने भी कंडेंस मिल्क के साथ बनाया है लेकिन मैं मैं कह रही हूँ ना मैंने कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं ख़रीदना ना तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा बस मैं एक टी मैंने शुगर इंक्लूड कर दी है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन मुझे ना दोनों के ऑनेस्टली टेस्ट में इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया तो मैंने शुगर यूज़ कर लिया आपके पास अगर कुमेल रखा हुआ हो तो वो भी यूज़ कर लीजिए एक मैंगो पूरा मैंने यूज़ किया उसका पल्प मैंने बनाया था वो मैंने यूज़ किया और उसको आपस आप ऐसे जेंटल हैंड्स के साथ आप इसको फोल्ड कर लें क्रीम आपको उस वक्त तक विप करनी है जब तक वो स्टिफ ना हो जाए तो बहुत राइट right अवे ही हो जाती है आपको बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आई गेस थर्टी सेकेंड्स में हो जाती है तो ये देखिए मेरा डिज़र्ट रेडी हो चुका है समझ लें स्टेज पर आपका डिजर्ट इज़ हाफ रेडी मैं इसको सर्विंग से पहले मैं इसके अंदर जो मैंगो जेली है वो डालूँगी और फ्रेश मैंगो चंक्स डालूँगी लेकिन ये मैं आपको उसी वक्त दिखाऊँगी ये डिजर्ट बनाकर आप कम से कम छः से आठ घंटे या ओवरनाइट अगर आप उसको फ्रिज में रख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा अच्छा अब मैं और इब्राहिम निकले हैं आज का पूरे दिन का जो प्लान है ना जो पूरा रूटीन है वो मैंने ख़ुद बनाया है आज पता नहीं कितने साल बाद मैंने बैठ के तसली से सोचा है कि मैं बर्थडे पे क्या करूँगी क्या मेरे दिल को अच्छा लगता है और तो हम लोग दोपहर को निकले हैं और आपने सही बिल्कुल कैस किया मैं सबसे पहला जो मेरा एक हाजिरी जहाँ होती है मेरी वहाँ पर शरवे मॉल पर होती है तो मैं आई हूँ शरवे मॉल पर शरवे गार्डन पर मैं आई हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि शर्वे गार्डन में आके मैंने क्या क्या सोचा था मैं क्या क्या करूँगी तो आज मैं आपको अपने शर्वे मॉल की सबसे अच्छी अपनी सबसे फेवरेट जगह दिखाती हूँ इंडिगो बुक्स और ये इतना इतना बड़ा है ना कि मतलब दो फ्लोर उससे पूरी बुक्स ही बुक्स हैं और समझ लें कि पूरे बुक लवर का ना ये पैराडाइज इसको कह सकते हैं मेरे पास यहाँ की मेम्बरशिप है जिसपे मुझे ट्वेंटी ऑफ भी मिल जाता है डिलीवरी भी फ्री मिल जाती है तो जब मेरी जॉब हुआ करती थी ना तो मैं बहुत बुक्स ख़रीदा करती थी यहाँ से आकर लेकिन जब से मेरी जॉब ख़त्म हुई है ना मैंने अपना लाइफ काफ़ी चेंज किया है अब मैं बहुत ज़्यादा इतने एक्सपेंस एक्सपेंसि वगैरह मैंने अपने काफ़ी कंट्रोल कर लिया अब मैं अब मैं ज़्यादातर अगर किताबें ख़रीदती भी हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मार्केट प्लेस से यूज्ड वाली ख़रीद लूँ अच्छा एक फ़नी इंसिडेंट हमारे साथ ये हुआ यहाँ पर आकर कि इनकी ना बुक पर सेल लगी हुई थी जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना मुझे यही वाली बुक लेनी थी तो मैंने इब्राहिम को कहा था आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लीज़ प्लेस कर दीजिए ऐसा ना हो कि हम वहाँ पहुँचे तो सेल ख़त्म हो जाए लेकिन इब्राहिम को लगा कि शायद मैंने ऑर्डर कर कर दिया है और मुझे लगा शायद इब्राहिम ने ऑर्डर कर दिया तो जब हम वहाँ पहुँचे और हमने इन स्टोर का हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था हमने सोचा था बेसिकली तो उसने कहा आप ऑर्डर नंबर बताइए तो हम दोनों के पास ऑर्डर नंबर नहीं था ये एक फ़नी इंसिडेंट हुआ हमारे साथ लेकिन चलिए थैंकफुली जो बुक मुझे चाहिए थी वो इन स्टॉक थी और डिस्काउंट वगैरह सब कुछ मिला के वो मुझे कुछ फिफ्टीन डॉलर्स की मिल गई अच्छा अब हम आते हैं आज की वीडियो के सबसे क्रेजी वाला जो पार्ट होता है ना उस पर मैं आती हूँ मैं इब्राहिम को लेकर आई हूँ पेंडोरा क्योंकि इब्राहिम ने कहा था मुझे कुछ प्रेजेंट दिलाना चाहते हैं तो एक तो उन्होंने बुक दिला दी और मैंने कहा चलिए यहाँ से कुछ ज्वेलरी दिला दीजिए क्योंकि कुछ आर्ट्स आ रही थी तो उनकी प्राइस रेंज देख के मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर एक अच्छा डिसेंट प्राइस के अंदर एक प्रेजेंट मेरा बन जाएगा बर्थडे का तो मुझे लेकिन यहाँ पर आकर एक डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि ज्वेलरी काफी एक्सपेंसिव थी और ये रोज़ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है मोस्टली और ये जो सेकंड टू योर लेफ्ट आपको इयर दिख रहे हैं ना मुझे ये बहुत अच्छे लगे तो इब्राहिम ने मुझे थोड़ा ज़बरदस्ती ही दिला दी कि नहीं अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम्हारा बर्थडे है तुम ले लो ये वन सेवेंटी डॉलर्स की आई हैं और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा ये ख़रीदने का आई नो इट्स अ प्रेजेंट लेकिन मैं तो आपको अभी से ही बोल दूं कि मैं ये शायद वापस कर दूंगी जाके क्योंकि वन सेवेंटी डॉलर इज़ अ लॉट एक प्रेजेंट के लिए जब तक मेरी जॉब थी मैं भी इब्राहिम को काफ़ी अच्छे प्रेजेंट्स देती रहती थी इब्राहिम भी मुझे अच्छे महंगे प्रेजेंट्स देते थे तो मैं एक्सेप्ट कर लेती थी लेकिन जब से मेरी जॉब खत्म हुई है ना तब से मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं इब्राहिम के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे कोई फाइनेंशियल एक बर्डन में उनके ऊपर डालूं किसी भी चीज का तो अगर मैं ये वापस करूंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी अच्छा उसके बाद हम आए हैं अरमींस बेकरी जो मेरी और इब्राहिम की इतनी फेवरेट बेकरी है मैं आपको क्या बताऊं मतलब ये वही कराची की जो क्लिफ्टन वाली अरमींस बेकरी है ना ये उन्हीं की ही ब्रांच है तो मैं और इब्राहिम ना बहुत ही एक डाई हार्ड पाकिस्तानी पाइन केक लवर ऑल दो यहाँ पर जो रेगुलर बेकरीज हैं वहाँ पर बहुत सस्ते केक्स भी मिल जाते हैं लेकिन ये पाइनएपल वाला जो हमारा पाकिस्तानी केक है ना वो नहीं मिलेगा बिल्कुल भी तो ये रहा मेरा बर्थडे केक ये इतना छोटा सा केक 25 का मिलता yes, है <laughs>

अच्छा डिनर के लिए हम मिसेस आगा की एक बहुत स्पेशल लिटरी लारी अड्डा पे आए हैं हम श्योर sure जो टोरंटो मिसेस आगा एरिया में रहते हैं उनको पता होगा इस रेस्टोरेंट के बारे में से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है और डाइन इन फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये दोनों चीज़ें अच्छी हों कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है तो इन्होंने पूरा ही एक पाकिस्तानी स्टाइल और थीम के साथ इन्होंने सेट किया हुआ है इस रेस्टोरेंट को एक बात मैं आपको इनके मेन्यू के बारे में बता दूं कि इनके मेन्यू में बहुत ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं है थोड़े से ही आइटम्स हैं लेकिन जो भी अवेलेबल है ना वो सब फ्रेश है और बहुत अच्छा और टेस्टी खाना होता है एंड इट्स पॉकेट फ्रेंडली टू बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है तो ये इब्राहिम ने अपने लिए विंग्स मंगाए हैं मैंने अपने लिए वो पिज़्ज़ा नान मंगाया है जैना को प्लेन फ़्राइज़ खाने थे तो हमने जैना के लिए फ़्राइज़ मंगाए हैं और हाँ अगर आप वहाँ जा रहे हैं और आपने अगर इनकी बटर चिकन नहीं खाई तो ज़रूर ट्राई कर लीजिए बटर नान के साथ बहुत टेस्टी होता है और ये रहा हमारा डिज़र्ट मैं हमने उस दिन नहीं खाया था क्योंकि उस दिन हमने केक बहुत ज़्यादा खा लिया था ये हमने दूसरे दिन मैंने वीडियो बनाई है मैंने उसके ऊपर मैंगो जेली और फ्रेश मैंगो जो चंक्स हैं उसकी मैंने टॉपिंग की है ये बहुत अच्छा बना था आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये फाइव मिनट डिजर्ट रेसिपी है आई होप आपको मेरा बर्थडे व्लॉग पसंद आया हो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोज़ को लाइक करें दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय